एलपीजी पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, फ्री एलपीजी कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये खबर ध्यान से पढ़ लें। एलपीजी कनेक्शन पर बदलेगा सब्सिडी स्ट्रक्चर। रिपोर्ट के मुताबिक में छपी खबर के मुताबिक स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। के हवाले से खबर है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो नए स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार उंक्स की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर आई गुड न्यूज, सैलरी में होगी एक और बढ़ोतरी, एडवांस पेमेंट का तरीका बदलेगा। मनी कंट्रोल को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1600 रुपए का एडवांस पेमेंट कंपनी एकमुश्त वसूलेगी। अभी ओंक्स एडवांस रकम एमी के रूप में वसूलती हैं, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र के मुताबिक स्कीम में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी। सरकार देती है फ्री एलपीजी सिलेंडर। सरकार की उज्ज्वला स्कीम में ग्राहकों को 14.2 किलो का सिलेंडर और स्टोव दिया जाता है। इसकी लागत करीब 3200 रुपए होती है और इस पर सरकार की ओर से 1600 रुपए सब्सिडी मिलती है, जबकि 1600 रुपए तेल मार्केटिंग कंपनियां ओंक्स एडवांस के रूप में देती हैं। हालांकि ओंक्स रिफिल कराने पर सब्सिडी की रकम एमी के रूप में वसूलती हैं। पढ़ें, इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले देखें छुट्टियों की लिस्ट। ऐसे कराएं उज्ज्वला स्कीम में रजिस्ट्रेशन। उज्ज्वला स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला अप्लाई कर सकती है। इस योजना की पूरी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट उज्ज्वलयोजना.com पर जाकर मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरकर नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा। इस फॉर्म में जिस महिला ने अप्लाई किया है उसका अपना पूरा पता, जनधन बैंक अकाउंट और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भी देना होगा। बाद में इसे प्रोसेस करने के बाद देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां योग्य लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं। अगर कोई उपभोक्ता एमी का विकल्प चुनता है तो एमी की राशि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में एडजस्ट की जाती है।